हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, मात्र 180 रुपये में मिलेगा आपको बोरी भर के डिविडेंड। तो मौका मत छोड़ना डिविडेंड का, ये मैं कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो कंपनी है वो इस टाइम फ्रेम पे, फरवरी मार्च के टाइम फ्रेम पे बहुत ही जबरदस्त डिविडेंड दिया करती है, और डिविडेंड देना इसकी मजबूरी हो जाती है। अब आप कहोगे मजबूरी, कैसी मजबूरी? जैसे कि आज आपने देखा होगा फिस्कल डेफिसिट, सरकार का जो आंकड़े आए हैं वो कितना बढ़ चुका है। ऊपर से कल बजट आने वाला है 1 फरवरी को, तो भाई सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? ये जो कंपनियां हैं, इनसे जो सरकारी कंपनियां हैं, इनसे डिविडेंड जो है लूट लेती है सरकार, इनके प्रॉफिट को लूटती है डिविडेंड के रूप में। अब आप कहोगे यार लूटती कैसे है, प्रॉफिट क्या हुआ है तभी तो लूटेगी। जरा देखते हैं आज Q3 के नतीजे आए हैं, अगर इस नतीजों में प्रॉफिट अच्छा दिखेगा तो कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा तो सरकार को देगी, तो आपको भी देगी, तो बोरी भर के डिविडेंड देगी, क्योंकि जो प्रॉफिटेबल है, जो प्रॉफिट कमा रही है, उससे सरकार ज़्यादा ज़्यादा हिस्सा लेती है। ये तो वही अंग्रेजों के टाइम वाली बात हो कि भाई जिसका जितना हिसाब किताब हुआ है भाई लूटो, उससे वही होने वाला है। पिछले साल की मैं बात कहता हूँ, देखिए 22 फरवरी 2019 को जैसे ही साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होते जा रहा था, सरकार ने लूटना स्टार्ट कर दिया। 5 रुपये 83 पैसे लूट लिए, यहाँ तक कि फाइनल में फिर से 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड देना पड़ा। उससे पहले भी देख लीजिए आप, जनवरी टाइम फ्रेम में डिविडेंड लूटा गया था, लेकिन पिछले साल तो हद ही होगी, 5 रुपये 83 पैसे तक लूट लिए थे, और मुझे लगता है इस बार तो और भी ज़्यादा लूट लेगी। अब आप कहोगे आप ऐसा कैसे कह रहे हो, कौन सी कंपनी की बात कर रहे हो? जी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट कमाती कमाने वाली सरकारी कंपनी है ये, और आज की डेट में इसके Q3 के नतीजे आए हैं 4 बजे के आसपास, और मुझे ऐसा इसीलिए लगा क्योंकि नतीजे बहुत ही अच्छे आए हैं, तो इसीलिए लगा भाई सरकार इसके ऊपर निगाहें जमा के रखी है, भाई तू प्रॉफिट कमा, तेरा प्रॉफिट मैं अपने जेब में डालूंगा। ये देखिए आप किस तरीके से कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, लेकिन सब सरकार के पास जाएगा। टोटल इनकम से स्टार्ट करते हैं, देखिए सारे फिगर्स करोड़ में है, कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। टोटल इनकम जो कि 8,878 करोड़, यानी कि 8,878 करोड़ से बढ़ के 9,548 करोड़ का इसने इस क्वार्टर में दिखाया है। एक्सपेंसेस भी बस बढ़े हैं, बट अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता हूँ, देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करता हूँ, तो ये मुझे देखने को मिला है। देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि 2,345 करोड़ से बढ़ता हुआ 2,672 करोड़ के आसपास, क्लियर कट 300 करोड़ से ऊपर का ये जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब इतना प्रॉफिट हुआ है, बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, सरकार तो लेगी लेगी भाई, जितना भी प्रॉफिट हुआ है सरकार को डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा। वो आप जानते हो, हर कोई जानता है, जो सरकारी शेयर जिसको भी पता, और अर्निंग पर शेयर देखिए किस तरीके से बढ़ा है, 4.49 से अर्निंग पर शेयर 5.11 हो चुका है। देखिए ये हम बात कर रहे हैं पावर ग्रिड की, और अब बात करते हैं डिविडेंड की। तो डिविडेंड अभी नहीं देगा भाई, पिछले साल भी फरवरी में सरकार ने लाठी चला के डिविडेंड लिया था, तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि प्रॉफिट आया तो डिविडेंड भी देना पड़ेगा भाई। पावर ग्रिड की अगर मैं बात करूं, 187 के आसपास का प्राइस है, आज 3% गिरा था, लेकिन मार्केट क्लोजिंग आवर के बाद रिजल्ट आया है, तो उसका रिजल्ट का असर आप देख सकते हो। अब देखिए ये मंथली चार्ट इसका है, देखिए ये कंपनी प्रॉफिट दिखाती है, प्रॉफिट देती है, और आप देख सकते हो कि 2008 के टाइम पे बिल्कुल लो पॉइंट पे था, उसके बाद शेयर मजबूती दिखाई है, धीरे धीरे अपसाइड होते होते शेयर ने रिसेंटली 226 का हाई भी बनाया, उसके बाद स्टॉक ने एक बॉटम पॉइंट बनाया, बॉटम पॉइंट बनाने के बाद धीरे धीरे मजबूती अप डाउन स्टॉक में आता रहता। देखिए अभी रिसेंटली एक बढ़िया मजबूती 214 के लेवल तक गया था, और शेयर फिर से नीचे आया है, लोअर लेवल पे आया है। लोअर लेवल यानी कि अपने बेस के आसपास, अगर मैं बेस की बात करूँ स्टॉक का, तो 170-180 से नीचे का ये जो बेस 180 के आसपास का, इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस से आके वापसी की इसने कोशिश करी, 207 के लेवल तक इस वीक पे गया था, लेकिन फिर से ये नीचे धकेला गया। अब चलते हैं हम वीकली चार्ट पे, देखते हैं समझते हैं स्टॉक को। देखिए वीकली चार्ट में हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे बताने की कोशिश करता हूँ, ये स्टॉक देखिए ज़्यादा मोमेंटम इसमें होता नहीं है, अप डाउन पहले देखिए कई बार, ये 174 के लेवल का लो था, ये सेम लेवल का लो फिर से था, 3 बार 4 बार लो इसने बना, जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं इसमें। वीकली बेसिस पे भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडर ने ज्वाइंट्स पे खरीद के अच्छी खासी स्विंग में कमाई कर रखी है, कितना
180 से लेके 10-15 रुपए पर शेयर की कमाई कुछ ही हफ्तों में कमा के निकल जाते हैं। लेकिन इस बार ये स्टॉक ने पीक 214 का बनाने के बाद, अब आप देखिए पीक को देख सकते हो यहाँ पे, ये पुराना रेजिस्टेंस लेवल है भाई, ये मई 2018 का रेजिस्टेंस यहाँ पे पार हो टच हुआ और फिर नीचे स्टॉक आ गया। और इस वीक में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ, ज्वाइंट कैंडल बॉटम पॉइंट के आसपास आया, सपोर्ट लिया, बिल्कुल ये ज्वाइंट कैंडल बनी। ज्वाइंट कैंडल के पीक पे अगर कोई हाई पे पार करके 188 पे इसको खरीद के स्विंग वाले ने कमाई करके 200 सवा 200 के लेवल पे बेच के कमाई कर ली, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से शेयर में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। रिजल्ट अच्छा है, एक पॉजिटिव संकेत जरूर देखने को मिला है इसके बाद। अब रिजल्ट आज मार्केट क्लोजिंग आवर के बाद आया, तो भाई रिजल्ट अच्छा है तो शेयर फिर से उड़ान भरेगा, उड़ान भरने की ज्यादा से ज्यादा 210 220 15 के लेवल तक जाएगा। फिर भाई डिविडेंड भी देना है इसे सर, अगले महीने डिविडेंड भी अनाउंस करना है, तो देखिए फिर से डिविडेंड जब होगा तो इसी प्राइस में से डिविडेंड एडजस्ट होता है तो शेयर फिर से नीचे आएगा। लेकिन आप डेली चार्ट पे देख लीजिए किस तरीके से वॉलेटिलिटी शेयर में अप डाउन इसी तरीके से चलता है। बॉटम रेंज इसकी क्या है, बॉटम रेंज के पास ये स्टॉक है, 180 के नीचे ये बॉटम रेंज है, अभी रिसेंटली 184 के लेवल तक गया था। और फिर देखिए कितनी बड़ी ये लाल कैंडल आज की डेट में देखने को मिली है स्टॉक में रिजल्ट से पहले। और इससे पहले जैसे कि मैं आपको कहता हूं, देखिए बिल्कुल बारीक चीज बताता हूं आपको और समझिए, पीक पे ये स्टॉक गया था, लेकिन जैसा मैंने आपको हमेशा बताया कि पीक पे लंबी शेडो टॉप पे बनने का मतलब क्या है, ये शेडो है, ये देखिए लंबी शेडो जिसको मैं कहता हूं, इस तरीके से अगर शेडो बनेगी, लंबी शेडो पीक पे बनेगी, तो मतलब खतरे की घंटी, शेयर में गिरावट आ सकती है। और स्टॉक देखिए बिल्कुल कहां तक पहुंच गया, 180 के लेवल तक पहुंच गया। इस तरीके से आप चीजें देखोगे, चार्ट्स को ऑब्जर्व करोगे तो बहुत काम की चीज है। और इसी तरीके से अगर आप बॉटम पॉइंट पे लंबी शेडो देखोगे तो इट मींस बायर्स आर गेटिंग एक्टिव नाउ, बायर्स आर गेटिंग एक्टिव नाउ, और ऊपर बनती है तो सेलर्स आर गेटिंग एक्टिव नाउ। अब देखिए बिल्कुल बेसिक्स बेसिक्स मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ और स्टॉक किस तरीके से रैली हुआ है, और ये डाउन मूव देखिए। और डाउन मूव में भी जिस तरीके से मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि डाउन मूव जब होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि एक साथ शेयर गिर गया, अप डाउन होता रहता है। आप देखिए शेयर धीरे धीरे नीचे गिरता गिरता यहाँ पे आया, 2 दिन इसमें कंसोलिडेशन हुआ, फिर शेयर एकदम नीचे गिरा है। देखिए अब फिर से इसको पार करने के लिए देखिए फिर पॉजिटिविटी आएगी, और क्योंकि ये शेयर जो है एक बड़ा शेयर है, सरकार का डिविडेंड वाला शेयर है, और इसमें इतनी ज्यादा मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल जिस तरीके से 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन जरूर है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि कई महीनों से 2017 से लेकर अब तक, मतलब कितना, 2017 अगस्त, 2018 अगस्त हो गया, 19 अगस्त हो गया, 2.5 साल हो गया ये शेयर अपने एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 220 से लेके 180, इस 40 रुपए की रेंज में ही ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर इस शेयर की ये रेंज टूटी 220 की तो शेयर में बड़ा उछाल आ सकता है। और जिस तरीके से लास्ट टाइम पे ये रेंज ये थी, देखिए 158 की रेंज टूटी तो उसके बाद कहाँ शेयर जंप हुआ था, बहुत ही जबरदस्त जंप देखने को मिला था। और वही मैं कहूंगा कि इस शेयर में भी बड़ी रैली के लिए ये ब्रेकआउट आना जरूरी है। जैसे आप ये देखिए ये वाला लेवल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ब्रेकआउट का ये कब आया था, 157 का लेवल टूटा था, तब जाके स्टॉक रैली करके 220 तक गया था। और उस पर्टिकुलर रैली में भी आप देखिए किस तरीके से जब अप ट्रेंड आता है, तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अप ट्रेंड स्ट्रेट नहीं होता, हायर लोज की फॉर्मेशन, हायर हाइज की फॉर्मेशन उसमें देखने को मिलती है। ये देखिए क्लियर कट आप देख सकते हो, और ये लर्निंग पर्सपेक्टिव से आप देख सकते, ये देखिए क्लियर कट। और जब इस शेयर ने इस ब्रेकआउट के लेवल को पार किया था 158 का, उसके बाद की बात है ये, तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो ब्रेकआउट खेलते हैं, वो ब्रेकडाउन खेलते हैं, वो इस तरीके से अप ट्रेंड में जो पोजिशनल ट्रेडिंग ढूंढते हैं। आप देखिए यहाँ पे देखिए लोअर लो, ये करेक्शन हुआ, करेक्शन पे बाई करते हैं, फिर जंप हुआ, ये स्विंग्स कोई प्ले करते हैं, तो ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज लोग यूज करते हैं, जो है अपने अपनी टेक्निक्स को यूज करते हैं कि कैसे पैसे कमाए जाए, क्योंकि हर किसी का एम होता है शेयर मार्केट से अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना के लॉजिक से पैसे कमाना। तो कई लोग चार्ट्स को रीड करते हैं क्योंकि चार्ट्स में काफी कुछ विजिबिलिटी होती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बड़ी लाल कैंडल इस लेवल पे बन गई थी, उसके बाद शेयर में कई दिन तक गिरावट आई, तो मतलब क्या है, किसी बड़े प्लेयर ने एग्जिट मारा, वो यहीं पे दिख गया था, उसके बाद धीरे धीरे बाकी एग्जिट लगते रहे और स्टॉक कहाँ तक आ गया। मतलब इस एग्जिट को देखते ही आप देख सकते हो कि इस बड़े लाल कैंडल को देखते ही कई लोगों ने यहाँ पे शॉर्टिंग करना स्टार्ट किया होगा, शॉर्ट करके पैसा कमाया होगा। और उसी तरीके से मैं लाल कैंडल अभी यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ, देखिए बड़ी लाल कैंडल इस वीक में भी देखने को मिली है, इन दो पहले वीक्स में ही देखने को मिली थी, और उसके बाद देखिए बड़ी गिरावट आई है इस स्टॉक में। क्या ये गिरावट और नीचे तक जाएगी, अगर मुझे लगता है कि गिरावट इसमें कंटिन्यू रहेगी तो 173 के लेवल तक स्टॉक जाएगा, लेकिन रिजल्ट अच्छा है इस चीज को जरूर ध्यान दें। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।